तो भाई रखबीर को अनोखा हीरा मिला एक। तो भाई ये साइड इंडिया है, तो भाई इस साइड है ये पाकिस्तान। तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सबका? आई होप आप सब मस्त होंगे। तो भाई आज हम जा रहे हैं टनल के पास। तो रफी भैया बोल रहे थे भाई टनल के पास जाएंगे, थोड़ा फोटो वोटो क्लिक करेंगे। तो उन्होंने बोला भाई चलिए वहीं जाते हैं। आज दो तीन दिन के बाद हमारे साथ आए, ये बहुत बिजी इंसान है, बिजी रहते हैं। तो आज का मौका इनको मिला हमारे साथ, हमने बोला चलो चलते हैं। आज हमें भी दिन का टाइम मिला भाई, ट्रेन देख रहे हो पीछे जा रही है। तो भाई आज का दिन इनको मिला, फ्री थे तो हम भी आज के टाइम दिन को ही फ्री थे, तो हमने बोला चलो चलते हैं साथ में। तो भाई बहुत टाइम के बाद आज दिन के टाइम आया हूँ मैं ब्लॉग करने के लिए, कि भाई शाम के टाइम बहुत अंधेरा हो जाता है। शाम के टाइम कोई हमें 3 बजे के बाद ही टाइम मिलता है, उसके बाद भाई अंधेरा हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो आज हमें मौका मिला दिन के टाइम, तो दिन के टाइम ही हम ब्लॉग करेंगे। तो भाई सब बंदों की फेवरेट जगह भी हम पहुँच चुके हैं, ये है सिद्रा, बहुत ज़बरदस्त जगह भाई। यहाँ खींचोगे अगर जितना आप खींचोगे ना भाई उतनी खींचेगी बाइक, लेकिन एक ही मुश्किल आता है भाई ड्यूक पे, लेकिन बाइक में एक ही नुकसान है भाई, जितना तेज रहोगे आप हवा के प्रेशर से आप ऐसा लगेगा कि आप उड़ जाओगे अभी, क्या होता है। तो भाई हम सुबह ही निकल आए थे घर से कोई 9 बजे के आसपास, 9:30 बजे के आसपास। तो क्योंकि KTM वाले ने हमें राइड पे बुलाया था कि भाई राइड पे, आज राइड पे चलेंगे सारे। तो भाई हम तो पहले पहुँच गए भाई, वहाँ कोई आया नहीं, तो हम 12 बजे तक हमने इंतज़ार किया, जब कोई आया नहीं भाई हम खुद ही निकले कि राइड पे भाई फोन। तो भाई ये व्यू देख सकते हो आप, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू भाई, यहाँ का व्यू देखो, नीचे देखो भाई नज़ारा, क्या तकड़ा व्यू है भाई यहाँ से नीचे। देखिए भाई सारे बंदे रुके हैं यहाँ पर भाई, ये रॉयल एनफील्ड की शायद से रैली निकली थी, ये बंदे आए यहाँ पर तो फोटो शूट कर रहे हैं, तो हम भी भाई रुकेंगे थोड़ा बहुत फोटो शूट कर देंगे। भाई बंदे ने कहाँ चढ़ाई है ये बाइक, तो गाइस हम पहुँचे हैं कुछ ऐसी जगह पे, बहुत ज़बरदस्त जगह है। तो भाई हमने लगाई है वहाँ पर अपनी बाइक कुछ वाले भैया के साथ में, वे बोरे उस पहाड़ पे जाएंगे हम। तो भाई वहाँ रोड भी नहीं जाता है, तो भाई नीचे का नज़ारा देख सकते हो आप, बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है। तो भाई देख रहे हो भाई, भाई बहुत ज़बरदस्त लग रही है भाई, ऐसी फीलिंग आ रही है जिससे भाई ड्यूक सुपर ड्यूक है भाई। भाई GoPro हेलमेट लगा के रखा है, तो भाई ऐसे ही बना रहा हूँ ब्लॉग, क्योंकि भाई बार बार खोलना बार बार जुड़ाना ठीक नहीं लगता, नहीं भाई इतनी मेहनत नहीं करेंगे क्योंकि हम आलसी इंसान हैं। तो भाई ये जगह देख रहे हो क्या ज़बरदस्त नज़ारा, इसे देख रहे हो भाई पत्थरों का हाल क्या है। तो भाई यहाँ से सबसे बेस्ट व्यू देखो ये है हाईवे का, तो भाई हाईवे का बहुत तगड़ा व्यू है भाई। हमारे रफी भाई बहुत बहुत महीनों बाद व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, व्लॉगिंग भाई ये रुके थे बाइक को, भाई बाइक मिलेगी फिर हम करेंगे व्लॉग स्टार्ट, तभी इनको मिलने वाली जल्दी बाइक, फिर देख मोटर व्लॉगिंग करेंगे स्टार्ट, फिर डायरेक्ट भाई ये मोटर व्लॉगिंग करेंगे स्टार्ट। तो भाई बहुत ज़बरदस्त जगह है, ऐसा लग रहा ही नहीं भाई जम्मू में है हम भाई, अपने गोल साइड की फीलिंग आ रही है, उतनी नहीं है भाई, गोल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन भाई तब भी बहुत ज़बरदस्त ही जगह है, अच्छी लगी हमें। तो हम आते रहेंगे, इससे आगे हम देंगे, इसके बाद ट्राई मारेंगे पहले उस पहाड़ी पे जाके देखेंगे भाई, हम तो सामने जो पहाड़ी है उसको जाके देखेंगे क्या नज़ारा रखता है वहाँ से, उसके बाद भाई आगे टनल तक जाके देखेंगे, अगर टनल तक बना प्रोग्राम तो टनल तक जाएंगे। तो भाई हमने इस पहाड़ी पर जाना था, वहाँ से भाई रास्ता बिल्कुल नहीं है, बड़े बहुत गंदा रास्ता है वहाँ से, तो भाई जल्दी से जा रहे हैं। तो भाई यहाँ नीचे का मैंने सोचा नहीं था कि इसके नीचे ब्रिज के नीचे का ये हाल होगा, चलो कोई बात नहीं अब यहाँ से पर जा रहे हैं। तो भाई वहाँ से रास्ता नहीं था, हम ऐसे ही जा रहे थे वहाँ से। तो भाई रफी भैया रॉक की कर रहे हैं पढ़ाई, तो कौन सब्जेक्ट है आपका? हाँ रफी भैया ने जियोलॉजी का सब्जेक्ट रखा है, तो भाई इस जगह इन्हें बोलता हम वहाँ चलेंगे घूमने, तो भाई यहाँ से पत्थर चेक कर रहे हैं भाई कौन सा पत्थर है, इनको सब नॉलेज है पत्थरों के बारे में, तो भाई इनके प्रैक्टिकल भी चल रहे हैं इसीलिए देख रहे हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा सांसें फूल रही है, क्योंकि भाई बहुत
ज़माना हो गया भाई हम चले नहीं है पैदल, क्योंकि आदत ही हो गई है, हम गूल ज़्यादा जाते नहीं हैं। तो भाई वहाँ पर हमारे घर से मिनिमम रोड 2-4 किलोमीटर ऊपर है, तो भाई वहाँ से पैदल जाना पड़ता है। तो हम जाते नहीं ज़्यादातर वहाँ पर, क्योंकि हम बचपन से ही वहाँ से निकल आए हैं। क्या तो भाई रखबिया को अनोखा हीरा मिला एक। तो भाई हम आज के अकेले बंदे हैं शायद से, आज यहाँ कोई आया नहीं है इधर ऊपर। तो भाई हम ही ऐसे बंदे जो यहाँ से ऊपर आए, मैं और रखबिया। भाई यहाँ का नज़ारा बहुत तगड़ा है भाई, थोड़ा सा ही चल गया है वहाँ से, यहाँ तभी पूरी सांसें फूल गई है। हाँ भैया डर रहे हैं भाई, यहाँ पर दिन रात गाड़ियाँ चल रही हैं, पर यहाँ जानवर होगा खा लेगा भाई। ये तो बोर है, फिर बोर फिर भूल जाएंगे भाई वहाँ पर ट्रैकिंग पे। तो वहाँ तो भाई शेर और भालू जो है भाई आम होते हैं भाई, वो तो वहाँ मार ही देंगे हमें। तो भाई ये है ब्रिज के नीचे का भाई, यहाँ पर बंदा छुप सकता है आराम से। तो बंदा अगर कोई क्राइम करके आया ना भाई, यहाँ बिल्कुल छुप सकता है, किसी को पता नहीं चलेगा, कोई शक नहीं करेगा यहाँ। तो भाई यहाँ पर मैं रफी भैया को भी मार देता हूँ, तो यहीं छुप जाऊँगा कहीं पर, तो कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा मुझे। भाई हम जा रहे हैं यहाँ से ऊपर, सामने भाई यहाँ पर है टनल, तो लेकिन हम यहाँ से ऊपर जाएंगे आज। फुल मोड है रफी भैया का पहाड़ों पर घूमने का। तो भाई ये साइड इंडिया है, तो भाई इस साइड है ये पाकिस्तान। तो भाई हम पहुँच गए पाकिस्तान में, ये बॉर्डर हिंदुस्तानी का था, देखिए हिंदुस्तानी गाड़ियाँ चल रही है, उस साइड हम पाकिस्तान पहुँच चुके हैं, जम्मू का इंडिया पाकिस्तान है। तो भाई रफी भैया पहुँच चुके हैं माउंट एवरेस्ट पे, चढ़ चुके हैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुके हैं, अब हम ही बचे हैं, हम दूसरे इंसान बनेंगे जो यहाँ से पर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुके होंगे। तो भाई हम दूसरे इंसान हैं जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुके हैं, ये पहला इंसान है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुका है। भाई यहाँ का व्यू देखो। सो गाइस हम आ चुके हैं वहाँ से वापस, वह चढ़ने में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी जितना वापस उतरने में इतनी प्रॉब्लम। थोड़ी साउंड वहाँ तकड़ी भाई आवाज़ है भाई, यहाँ पर जब भाई ड्यूक की इतनी सही सुनाई दे रही है भाई, तो बाकी सुपर बाइक से क्या तकड़ी सुनाई देगी। तो भाई अब वापसी का देखते हैं, कब तो मुझे लगा फ्यूल हमारी भाई कम हो चुका है थोड़ा बहुत, उतना भी नहीं भाई, ये घर तक पहुँच के 3 से 4 राउंड और मारेगी, उतनी भी कमी नहीं तेल ने भाई। माइलेज टेस्ट के लिए भाई मैंने इसको पूरे 2 दिन लगाए सिद्रा के, 4-5 राउंड मार के भाई फिर इसको कम तेल हुआ है भाई, फिर जगह खाली हुई थी इसकी टंकी, लेकिन भाई ऐसे नहीं होती है। बहुत अच्छी धूप निकली और आज हमें टाइम ही निकाला था, क्योंकि हम KTM की राइड पे हमने जाना था, लेकिन वो भाई वो मिले नहीं, लेकिन आज हमें दिन का मौका मिल गया व्लॉग करने का। वो इतनी वक्त इतनी सही धूप है, ठंड भी नहीं लग रही है, नहीं तो शाम के टाइम से मैं भाई व्लॉग करता हूँ इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो भाई जम्मू 22 किलोमीटर दूर रह चुका है, इस हिसाब से हम बहुत ज़्यादा दूर आए थे पता नहीं चला, तो हमें लगा भाई ये 10 किलोमीटर दूर आए हम उधर से, लेकिन वापस नहीं पता चल रहा है भैया बहुत ज़्यादा दूर आए हैं। वहाँ से आते हमें फील नहीं हुआ भाई इतना दूर आए, लेकिन इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा लग रहा है कि हद से ज़्यादा दूर आए थे हम। तो भाई अगली बार हम आएंगे वो बजालता वाली साइड जाएंगे व्लॉग करने के लिए। भाई हमारे सामने NS वाले भैया ने बोल खींच के रखी है, लेकिन भैया उनको पता नहीं भैया 250 cc है, इससे कोई मुकाबला नहीं भाई। अगर मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है भाई NS 200 नहीं है ये, शायद 160 है, लेकिन भाई तब भी 200 क्यों ना हो, लेकिन भाई 250 cc का वो भी KTM ही है भाई, इसका कोई मुकाबला नहीं है भाई, 200-250 में बहुत फ़र्क है। लेकिन भाई हम रेस नहीं लगाना चाहते, हम सिंपली चलेंगे भाई, जितनी जितना हम हो सके उतनी आराम से लेंगे भाई, सर्दी है हम इतनी ज़बरदस्ती क्या करनी है भाई सर्दी में। तो भाई हमारे GoPro की हो चुकी है बैटरी ख़त्म, तो अपने मोबाइल से मैं शूट कर रहा हूँ। तो भाई अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मेरी वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए भाई गुड बाय।